वेलकम स्टूडेंट्स टू पार्ट टू ऑफ आरटीपी नवंबर 2022 डिस्कशन सी फाइनल पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। देखिए इससे पहले हमने कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट की बात करी थी, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, दैट मींस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। देखिए यहां पे जो कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसे लिखिए 5 मई 2021, 7 सितंबर 2021, 1 जनवरी 2022, इससे पहले भी मई 2022 से रिलेटेड सभी रेगुलेशन से रिलेटेड मैंने अमेंडमेंट्स करवाई थी, लगभग क्या कह लीजिए सारी करवा रखी है पहले भी मई से पहले। तो अगर आपने किए हुए कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक प्रोविजन आपको हैंडल करनी है आज, ओनली वन, बाकी मैं कहूंगा सब कुछ आपने पक्का ये किया होगा। आइए देखते हैं, कहते हैं रेगुलेशन नंबर 3 में। देखिए रेगुलेशन नंबर 3 क्या है, मैं अपने प्रिंटेड में से दिखा देता हूं, बात सिंपल समझ में आ जाए। रेगुलेशन नंबर 3 में क्या है कि ये रेगुलेशंस लगेंगी लिस्टेड एंटिटी को अगर आपकी ये सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो वहां जैसे लिखा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड एसएमई एक्सचेंज, या पहले वर्ड होता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बस उसको हटा के वर्ड क्या लगा दिया है इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग से हटा के इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स दैट मींस स्टार्टअप वगैरह के लिए, बस ये वर्ड मेनली लगाया है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। देखिए अब जो रेगुलेशंस है, मैं इसे सिंपल कहूंगा, आप एक तरह से जो जितने भी लॉ बनते हैं नॉर्मली वहां पे वर्ड लिखा होता है ही मैस्कुलिन, तो जहां जहां वर्ड ही होता है बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है उसके अंदर महिलाएं भी आएंगी, राइट? तो ही के साथ शी, कुछ इस तरह के अमेंडमेंट्स हैं, राइट? जैसे रेगुलेशन नंबर 6 से रिलेटेड, अब रेगुलेशन नंबर 6 किस पे है भाई, ये है कंप्लायंस ऑफिसर जिसे हम सीएस कहते हैं। कोई ऐसा जो आपको पेपर के लिए करने वाली इसमें कोई आइटम नहीं है, बस क्या लिखा है कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज, पहले वर्ड हिज होता था अब क्या लगा दिया गया हर ऑब्लिगेशंस, कोई काम की चीज नहीं। बढ़ते हैं आगे, रेगुलेशन नंबर 17 में क्या कहा गया, देखिए 17 ये रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कोई चेंज नहीं है, बस वर्ड क्या लगा दिया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, जहां हम कहते हैं लिस्टेड एंटिटी में आप 7 ले सकते हैं, 7 जगह डायरेक्टरशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर होल टाइम डायरेक्टर या एमडी हैं किसी लिस्टेड एंटिटी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में आप ज्यादा से ज्यादा 3 जगह रह सकते हैं। तो कोई चेंज नहीं बता रहा हूं, मतलब रेगुलेशन 17 नहीं बता रहा हूं, बस इन्होंने क्या किया है यहां पे एक्सप्लेनेशन डाल दी है, मतलब ये चीज पहले भी थी बस उसके आगे वर्ड लगा दिया एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन ये है कि भैया जब आपने काउंटिंग करनी है जैसे यहां 7 की यहां 3 की, राइट, द काउंट फॉर द नंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑन विच अ पर्सन इज डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अप्लाई ओनली दोज हूज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कहता है लिस्टेड का मतलब है वो कंपनी लेनी है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड, बस पहले भी यही पढ़ते थे, बस एक वर्ड आगे एक्सप्लेनेशन लगाया और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं रेगुलेशन नंबर 18(1)(b) एंड 18(1)(d) के अंदर छोटी छोटी एक आधी अमेंडमेंट है, लेट्स चेक इट आउट। और ये आगे जी रेगुलेशन 18 ऑडिट कमेटी से रिलेटेड, बस यहां पे इन्होंने एक वर्ड डाल दिया एटलीस्ट, मतलब सिंपली हम कहते थे 2/3 मेंबर्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 2/3 का मतलब मिनिमम ही होता है, बस आगे वर्ड लगा दिया एटलीस्ट, तो कोई दम वाली चीज नहीं है इसमें, राइट? या चेयरपर्सन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा एंड ही, पहले वर्ड होता था ही शैल बी प्रेजेंट एट एजीएम, अब ही के साथ वर्ड क्या लगा दिया शी, तो एज सच मैं कहूंगा कुछ भी आपको यहां तक चेंज करने वाला नहीं है। एनआरसी से रिलेटेड चेंज करेंगे हम, देखिए ये रहा रेगुलेशन नंबर 19,
एनआरसी से रिलेटेड रेगुलेशन 19। तो यहां हम कहते थे 50% ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट, आप 50% नहीं 2/3। सेम यही चीज देखिए ऑडिट कमेटी में भी है 2/3, राइट। ऑडिट कमेटी में भी 2/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब सेम हो गया। एनआरसी में भी 2/3। बस ये एक चीज है जो आप अपना ढंग से संभाल लीजिए, बस ये अपने हैंडरिटन में भी चेंज कर लो, कुछ भी चेंज करने वाला नहीं। जो आपने सेबी रेगुलेशंस इससे पहले मई 2022 से पहले मेरा लेक्चर लगाया, कुछ भी आपको चेंज करने वाला नहीं, सिर्फ यहां पे एक ये वर्ड आपको करना है। आइए आगे देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 21 आरएमसी से रिलेटेड है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड। ये सेम वही है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कुछ नई बात तो मैं यहां करूंगा नहीं। कहता रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 3 मेंबर होंगे, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे, जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टर्स होंगे। ये पहले भी करवाया हुआ है इसलिए ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मई 2022 के अमेंडमेंट जब मैंने डाली थी इसको पूरा डिटेल में मैंने करवाया हुआ है। तो ये पुरानी ही चीजें हैं जिसमें से एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और अगर लिस्टेड एंटिटी के पास है एसआर इक्विटी शेयर, एसआर का मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर है, तो कहता 2/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वैसे इंडिपेंडेंट कह रहा था एक, लेकिन अगर सुपीरियर राइट वोटिंग शेयर है, राइट, इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट डीवीआर, सुपीरियर राइट आपने दे रखे हैं, तो 2/3 आपके मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। आरएमसी अपनी मीटिंग करेगी, पहले होता था एक बार साल में, अब है 2 बार साल में करेगी। और कहता है मीटिंग्स के बीच में जो आपने गैप रखना है वो ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन 180 दिन से ज्यादा का गैप दो मीटिंग्स के बीच में ना हो। कोरम होगा 2 मेंबर या 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी विच इज हायर, और कम से कम एक मेंबर जो डायरेक्टर है वो मीटिंग में पक्का आना चाहिए। चेयरपर्सन जो होगा वो भी एक डायरेक्टर होगा, एंड बाकी डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव इसके मेंबर वगैरह बन सकते हैं। कहता आरएमसी का मेन रोल क्या है, मैंडेटरी मींस कंपल्सरी टू इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ स्केड्यूल नंबर 2, कि स्केड्यूल नंबर 2 के अंदर पार्ट डी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं। आरएमसी पहले होता था 500, अब है 1000 जो टॉप लिस्टेड एंटिटीज हैं उसके ऊपर ही उनको ही कमेटी बनानी पड़ेगी, एंड अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी उसी को आरएमसी बनानी होगी। आरएमसी की कहता पावर होगी, वो किसी भी एम्प्लॉय से कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बाहर से लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। तो भैया मैंने इसमें कुछ नया नहीं कराया, ये पहले भी करवाया हुआ है, मई 2022 के अमेंडमेंट के समय भी करवाया था, कुछ यहां पे नया नहीं। नाउ इसके बाद रेगुलेशन नंबर 24 के अंदर अमेंडमेंट आती है, ये भी पहले करवाई हुई है, मैं पहले बता दूं। ये था मटेरियल सब्सिडरी जो आपकी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी, या कह लो मटेरियल सब्सिडरी से रिलेटेड। तो कहता है अगर मटेरियल सब्सिडरी के अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, और वो शेयर्स कितने बेच रहे हो, कहता आप शेयर्स बेच रहे हैं टू लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये वर्ड नया डाला है इक्वल टू, पहले लेस देन होता था अब साइन लगा दिया इक्वल टू, मतलब 50% तक अगर आप शेयर्स बेच रहे हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। मतलब यहां पे ये वर्ड लगाया है इक्वल टू। मैं डिटेल में कुछ नहीं समझाने में जा रहा, मई 2022 वाली आप सेबी रेगुलेशन का अमेंडमेंट वीडियो मेरा देख सकते हैं अगर आपने किसी ने देखना हो, उसमें सब कुछ है, बस आज एक नया पॉइंट बताया, राइट, वो आपका एनआरसी से रिलेटेड। देयर आफ्टर रेगुलेशन नंबर 26, देखिए उसमें भी ये वर्ड शी डाल दीजिए ही के बाद, मतलब इस तरह की चीजें हैं। आइए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 26 ये रही। ये था रिस्ट्रिक्शन ऑन कमेटी मेंबरशिप, जो हम 2 कमेटियों के ऊपर पढ़ते होते हैं कि आपके ऊपर वोट लगती है ऑडिट एंड एसआरसी कमेटी के लिए, कि अगर आप मेंबर बनते हो तो 10 में बन सकते हो, और अगर आप चेयरपर्सन बनते हो तो 5 में बन सकते हो। बस ये लिखा था, ही के साथ वर्ड क्या डाल दिया गया है, शी। लेकिन जब ये काउंटिंग करनी है आपने 10 और 5 वाली, इसके अंदर हम कुछ कंपनियां एक्सक्लूड करते हैं, और ये क्या है, प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 फॉरेन कंपनी, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी, एक नया 4 ये ऐड कर दिया गया है।
हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज में अगर आप मेंबर या चेयरपर्सन बनते हैं तो काउंटिंग में हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ नया नहीं है, ये भी पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है। रेगुलेशन नंबर 26 एंड 27। आइए रेगुलेशन नंबर देखिए, 26 हो गया हम ना, 27 में चलते हैं। ये है क्वार्टरली जो आपको रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। कोई चेंज नहीं है, फिर बता रहा हूं, ये पहले भी हम मई 2022 में बात कर चुके हैं। तो कहता है जब आपने क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, पहले उत्तर था 15 दिन, अब 21 दिन दे हैं। और 21 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 15 को 21 कर दिया गया और क्वार्टर से पहले वर्ड लगा दिया गया फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नहीं भी लिखा था एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अंडरस्टूड मीनिंग यही था। रेगुलेशन नंबर 29 में, तो रेगुलेशन नंबर 29 आती है, बोर्ड मीटिंग से करने से पहले आपको प्रायर इंटीमेट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। तो वहां पे चेंज क्या है, बस ये जो आप देख रहे हैं ओमिटेड कि द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज। नो डाउट आपने इंटीमेट करना है, लेकिन पहले वर्ड क्या होता था, वेयर सच प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पार्ट ऑफ एजेंडा पेपर्स। तो जब आपने कोई बोनस डिक्लेरेशन करना है तो बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, उसके लिए उनको नोटिस दिया, उनके एजेंडा में जो लिख के आप देते हैं कि भाई किस काम के लिए बुला रहे हैं, बस इन्होंने ये लाइन काट दी है। सिंपल लिखा है, प्रपोजल जैसे आता है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज आपको इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड मीटिंग होने से पहले। टाइम पीरियड वगैरह में कुछ चेंज नहीं, बस ये वर्ड, ये लाइन आगे से इन्होंने काट दी है। देन स्केड्यूल नंबर 5 से रिलेटेड कुछ सब्स्टिट्यूशन हुए हैं और कुछ इंसर्शन हुए हैं। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जो कि हम रेगुलेशन नंबर देखिए यहां पे स्केड्यूल नंबर 5 रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में कुछ ऐसा सच नहीं है, पहले भी ऐसे ही पढ़ते थे, एक आधा वर्ड हटाया। आपने नेम लिख के देना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो कि चेयरपर्सन है इसका, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नॉट सॉल्व, नंबर ऑफ पेंडिंग कंप्लेंट्स। इसके बाद जो इंसर्शन हुआ है दैट इज 5A आरएमसी से रिलेटेड, तो इसमें कहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बताइए कि ये क्या काम करेगी, इसके जो भी मेंबर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन, नेम, चेयरपर्सन बताओ, इनकी मीटिंग्स एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर, कितनी मीटिंग हुई, कौन कौन आया। तो भैया ये सब कुछ मैं फिर कहूंगा, मई 2022 से पहले मैंने सब कुछ करवाया हुआ, एक चीज मैंने कही थी बस वही आपको एनआरसी से रिलेटेड अपने आपको मेनली अपडेट करना है, राइट। यहां मैंने डिटेल में कुछ नहीं समझाया, किसी को और ज्यादा डिटेल में जाना हो तो भैया मई 2022 का मेरा अमेंडमेंट वीडियो सेबी रेगुलेशन के ऊपर अलग से यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ यहां पे देखिए सेबी रेगुलेशन समाप्त होता है, इसके बाद बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से उसके ऊपर अमेंडमेंट की बात करेंगे। थैंक यू।